सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता रूप में बाप दादा के सन्मुख हूं। बाप दादा मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। और मुझ फरिश्ते को अपनी सर्व शक्तियों से चार्ज कर रहे हैं। अब मैं सुन रहा हूं बाप दादा के वह अव्यक्त बोल। बच्चे, तुम इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के पूर्वज हो। तुम्हें इस सारे कल्प वृक्ष के टाल टालिया और पत्तों को सकाश देकर उनकी पालना करनी है। मैं फरिश्ता मनुष्य सृष्टि के पूर्वज होने के नशे में स्थित कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठा हूं। और नीचे सारा मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष फैला हुआ है। मुझ पूर्वज आत्मा पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। मेरे एक एक संकल्प के वाइब्रेशंस कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते तक जाते हैं। मेरी श्रेष्ठ अवस्था, मेरे स्वमान युक्त विचार सारे कल्प वृक्ष को श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते हैं। मेरे संकल्प, बोल और कर्म का सारे संसार पर प्रभाव पड़ता है। मैं सत्य पथ का अनुसरण करता हूं तो सारे संसार को सत्य पथ पर चलने की शक्ति मिलती है। संसार की सर्व आत्माओं की दृष्टि अब मुझ पूर्वज पर है। विश्व की सर्व दुखी अशांत आत्माएं मेरी ओर आशा भरी नजरों से देख रही है कि हमारे पूर्वज हमारी मदद करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमें दुख अशांति से मुक्ति प्रदान करेंगे। वे पुकार रही है,
हे विश्व कल्याणकारी, हे हमारे पूर्वज, हमें शांति दो, शक्ति दो, पालना दो, हमें इस तमो प्रधान अवस्था से मुक्त कीजिए, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाइए, हमारी सहायता कीजिए। मैं इन सभी आत्माओं की पुकार सुन रहा हूं। अब मैं पूर्वज आत्मा अपने दातापन के स्वमान में स्थित होकर बाप दादा के साथ कंबाइंड होकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर सारे कल्प वृक्ष को शक्तियों की सकाश दे रहा हूं। सर्व शक्तियों की असंख्य किरणें बाप दादा से निकलकर मुझसे होकर सारे कल्प वृक्ष की टाल टालियों को, पत्तो रूपी विश्व की सर्व आत्माओं को और प्रकृति के पांच तत्वों को जा रही है। मैं सर्व शक्तियों के साथ साथ सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस सारे कल्प वृक्ष को दे रहा हूं। संसार की सभी आत्माओं की मैं पूर्वज बन पालना कर रहा हूं। अब सभी आत्माएं शांत हो रही है। उनके सब दुख दूर हो रहे हैं। सभी का जीवन तनाव मुक्त और निर्विघ्न बन रहा है। सभी आत्माएं अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर रही है। वे संपूर्ण पवित्र बनती जा रही है। सत्व प्रधान अवस्था को प्राप्त कर रही है। प्रकृति के
पांच तत्व भी पावन होकर अपने आदि सतोगुणी स्वरूप में आते जा रहे हैं। सर्व मनुष्य आत्माएं सुख, शांति, पवित्रता, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाकर अपने असली घर शांति धाम लौट रही है। ओम शांति।